What's up guys, you're watching Live in Art. आज हम बात करेंगे तीन ऐसे fragrances के बारे में जो बहुत ही masculine smell करते हैं. तो without wasting any time, let's start the video. लो बजट कैटेगरी से स्टार्ट करते हुए मिड रेंज कैटेगरी में जाएंगे, देन हाई रेंज कैटेगरी में. एंड इफ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर आप मेरी थोड़ी सी और हेल्प करना चाहते हो तो आप मेरे पेट्रियन भी बन सकते हो, सो उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहली कैटेगरी हमारी 1000 से 1500 की लोएस्ट रेंज कैटेगरी में, विदाउट डाउट ये अरमाफ की तरफ से क्लब दिनो इंटेंस मैन है. इस फ्रेग्रेंस की बात करें तो गाइज बहुत ही मैस्कुलिन स्मेल करता है. लाइक इट्स नेम, ये क्लब के लिए बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, पार्टी के लिए बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, स्पेशली इंडियन एनवायरमेंट के लिए वेरी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस. Anybody can wear this fragrance. इसके अंदर masculine notes भी हैं, जैसे इसमें leather का note बहुत अच्छा लगता है मुझे. Plus ये Creed Aventus जो कि most popular, most expensive niche fragrance माना जाता है, Creed Aventus उसका ये clone है. बहुत hype हुआ ये पिछले कुछ सालों में. इसके काफी सारे fakes भी आने लगे, जैसे हमने previous videos में discuss किया. उसके लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि where to buy this fragrance from. तो मैं उनको recommend करता हूँ, always मेरी नीचे description में मैं websites दे देता हूँ. और इस बजट में ये बेस्ट फ्रेग्रेंस है. विंटर्स के लिए मेरे हिसाब से मैं इसको सजेस्ट ज्यादा करूंगा, बिकॉज विंटर्स में ये अच्छा परफॉर्म भी करेगा. आपको इवनिंग्स पार्टीज या क्लब में कहीं जा रहे हो तो उसके लिए पहनेंगे, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है. इसकी लॉन्जेविटी की बात करें तो बहुत अच्छी लॉन्जेविटी है गाइस. आपको आराम से 8 से 10 घंटे की लॉन्जेविटी ये दे देगा, हमारी इंडियन एनवायरमेंट में भी. तो बहुत बैंग फॉर बक है ये. स्टार्टिंग में एक स्मोकी सा आपको पंची सिट्रस के साथ स्मोकीनेस आएगी, जो कि मोस्टली सिंथेटिक ही होती है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, क्योंकि 1500-2000 की में आपको यू नो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेंगे. मैंने पहले भी बताया इस बारे में, लेकिन रिगार्डलेस अच्छा फ्रेग्रेंस है. यू कैन, अगर आपका बजट इतना नहीं है तो ऑब्वियसली इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा. ड्राई डाउन में आप सब जानते हो कि क्रीड एवेंटस के जैसा स्मेल करता है, जिसका ये क्लोन है. सेकंड कैटेगरी हमारी है जो कि है मिड रेंज, जिसमें आपको 3000 से लगभग 5-6 हजार तक का फ्रेग्रेंस मैं सजेस्ट करने वाला हूं. ये है डोल्ची एंड गबाना द वन. बहुत ही मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, एम्बर टोबैको एंड जिंजर का नोट है, जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ ब्लेंड है, सेक्सी स्मेल करता है बहुत ज्यादा. डेट नाइट्स के लिए बहुत अच्छा है, विंटर्स के लिए, अभी के वेदर के लिए इट्स एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस, ट्रस्ट मी ऑन दैट. और इसमें अनलाइक क्लब दिनो इंटेंस मैन, आपको इसमें नेचुरल नोट्स मिले, बिकॉज ये डोल्ची एंड गबाना डिजाइनर ब्रांड है, उसकी तरफ से ये फ्रेग्रेंस है. इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो बहुत ही अच्छे हैं. इसमें टबैको का बहुत ही स्मूथ जिंजर और टबैको का एक ब्लेंड स्टार्टिंग में मिलता है आपको. अमेजिंग एयर में स्मेल करता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इस फ्रेग्रेंस से. 6-7 घंटे मुझे आराम से इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं. स्किन केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है आपकी, कि आपकी स्किन ऑयली है या थोड़ी सी ड्राई स्किन है, तो आपके ज्यादा लास्ट नहीं करेगा कोई भी फ्रेग्रेंस. आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह या कुछ जैसे ओडरलेस नॉन सेंटेड वैसलीन टाइप कुछ लगाना पड़ेगा आपको, तो उसका वीडियो भी आप चेक कर सकते हो. मैंने बताया कि हाउ टू अप्लाई फ्रेग्रेंस करेक्टली. क्लोज एनकाउंटर के लिए ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, जैसे ये लाउड कैटेगरी के लिए भी सही था और ये क्लोज एनकाउंटर कैटेगरी के लिए अच्छा है. सो लास्टली मेरा फाइनल फ्रेग्रेंस है जो कि एक्सपेंसिव कैटेगरी में ऑब्वियसली है, शैनेल की तरफ से एलोरम स्पोर्ट ओ एक्सट्रीम. बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मेल नहीं करता, थोड़ा जेनेरिक भी लगेगा कई लोगों की, ऐसा अपने स्मेल पहले भी चीजें करी है, लेकिन ये जो स्मेल है गाइज इटसेल्फ ये बहुत अच्छी स्मेल है. इसके अंदर मिंट नोट मिलता है, थोड़ा एल्डिहाइड्स काइंड ऑफ नोट मिलता है, एयरी नोट मिलता है. फिर उसके बाद इसका जो ड्राई डाउन है वो बहुत ही स्वीट, टोंका बीन एक नोट है, क्रीमिश स्मेल आती है इसमें सैंडलवुड के साथ भी. पिछले वीडियो में बात की थी हमने एलोरम स्पोर्ट के बारे में, जिसका ये फ्लैंकर है. इसके बाद ये फ्रेग्रेंस आया उसके बाद, तो उस फ्रेग्रेंस जैसी ही इसकी स्मेल है, थोड़ी सी क्रीमी रहती है, सैंडलवुडी काइंड ऑफ रहती है, लेकिन इसमें स्वीटनेस थोड़ी सी ज्यादा है अनलाइक एलोरम स्पोर्ट के अंदर. ऑल इन ऑल ये फ्रेग्रेंसेस तीनों जो मैंने रिकमेंड किए गाइस बहुत ही अच्छे हैं. ये अपने में आकर बजट पर डिपेंड करता है आपको कौन से लेना है. टू रिकैप, आप लो बजट में हो, टाइट बजट में हो, तो क्लब दिनो इंटेंस मैन सबसे बेस्ट है आज भी आपके लिए 2020 में. इसके बाद अगर आप मिड रेंज में हो तो आप मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस देख रहे हो तो आप डोल्ची एंड गबाना द वन की तरफ जा सकते हो, EDT या EDP वर्जन दोनों की तरफ जा सकते हो. और लास्ट में हाई बजट एलोरम स्पोर्ट ओ एक्सट्रीम जरूर ट्राई करिएगा, एयर में बहुत अच्छा स्मेल करता है. तीनों ही इनफैक्ट एयर में बहुत अच्छे स्मेल करते हैं. और ये थोड़ा सा लाउड हो गया, ये क्लोज एनकाउंटर के लिए बेस्ट है, ये वर्सेटाइल है, एवरीडे वियर सेंट है. I hope you enjoyed this video. Like, share and comment down below and subscribe to the channel if you are new, and also follow me on Patreon. Thank you so much for watching.